नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। आईएमएफ ने रघुराम राजन को अपने बाहरी सलाहकार समूह में किया शामिल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके रघुराम राजन को अब आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिना के सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है, जिसकी जानकारी जॉर्जिवा ने बीते दिन देते हुए यह कहा था कि राजन के साथ साथ 11 अन्य अर्थशास्त्रियों को सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। यह सलाहकार कोरोना की परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुए हालात को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय आईएमएफ प्रमुख को साझा करेंगे। वहीं राजन की बात करें तो वह साल 2016 तक 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभा चुके हैं। वहीं वर्तमान समय में रघुराम राजन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब मालदीव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। कोरोना की इस परिस्थिति में हर कोई एक दूसरे का साथ देने के लिए सामने आ रहा है। भारत भी अन्य देशों के लिए मसीहा बनकर उभरा है, जिसके तहत भारत ने पहले अमेरिका से ब्राजील, उसके बाद अब मालदीव को भी HCQ की खेप भेजी है, जिसके तहत मालदीव के विदेश मंत्री ने HCQ के निर्यात की मंजूरी देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया है। जिसके तहत अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि कोरोना की इस परीक्षा में गेम चेंजर समझे जाने वाले HCQ के निर्यात के मालदीव के निवेदन को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस जरूरत पड़ने पर काम आने वाले दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो और इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष को फोन पर बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए अहम दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के माहौल का जायजा लिया, जिसके तहत उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से फोन पर बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके परिवार का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच में जब बात मास्क के संबंध में हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मास्क केवल डॉक्टर तथा ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक है, बाकी गांव में तो आप लोग अपने सर पर गमछा बांधते हैं या फिर उसको लिए रहते हैं, उसी से मुंह ढकने की आदत डालने की अब जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मुंह को गमछा से ढकने की आदत से लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत के दौरान आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करने की नसीहत दी है। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने बनाई कोरोना का दिन प्रतिदिन। भारत में कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं लोग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ जगह पर नियंत्रण काबू से बाहर हो जा रही है। वहीं मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए हैदराबाद के एक व्यक्ति ने कोरोना कार बनाई है। इस कार को बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें समय रहते यह दिखाया जा सके कि अगर लोग घर में नहीं रहेंगे तो समस्या और कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका वीडियो एक न्यूज एजेंसी ने शेयर किया है जो कि हैदराबाद के किसी व्यक्ति ने बनाई है। पी चिदम्बरम ने सभी मुख्यमंत्रियों को दी नसीहत। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने हाल ही में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे यह मांग करें कि गरीब परिवारों तक नकद राशि पहुंचाई जाए, जिसके लिए पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबों को पैसा देना उनकी सर्वसम्मत मांग होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंद की अवधि पर चर्चा करने के लिए साथ ही अलग अलग राज्यों में कोरोना की परिस्थिति को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। बंद के दौरान गृह मंत्रालय ने आम नागरिकों को दी थोड़ी छूट। देश भर में फैले कोरोना के व्यापार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है। वहीं बंद के दौरान गृह मंत्रालय ने भी आम नागरिकों को सोच समझ कर बाहर निकलने साथ ही बंद का पालन करने का आदेश जारी किया है। मगर अब वहीं गृह मंत्रालय ने कुछ कामों के लिए बंद में छूट देने का फैसला लिया है, जिसके तहत जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मछली पकड़ने, जलीय कृषि उद्योग के संचालन को बंद के दौरान काम करने की रियायत दी है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने किसानों को भी राहत देते हुए उनके फसलों की हार्वेस्टिंग का निर्देश जारी किया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त करने के लिए कहा है कि इस काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का खास ध्यान रखा जाए। क्लार्क ने की विराट कोहली की तारीफ। जब भी बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम लिया जाता है तब तब विराट कोहली का नाम जरूर सुनने में मिलता है। वहीं विराट कोहली की तारीफ भी कोने कोने से आए दिन सुनने में मिलती है। इसी क्रम में एक बार फिर से विराट कोहली की तारीफ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क द्वारा की गई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आज के दौर में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। विराट की बड़ी शतक जमाने के प्रति इच्छा शक्ति महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जैसी ही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि उनके जमाने में जिस तरह सचिन तेंदुलकर खेलते थे वैसा कोई अन्य बल्लेबाज नहीं खेल पाता था, मगर अब विराट और सचिन में एक समानता है कि दोनों को बड़े शतक लगाना काफी ज्यादा पसंद है। वहीं जिस तरह से सचिन को मैदान से आउट करना मुश्किल था वैसा ही विराट के साथ भी है। सभी गेंदबाज विराट द्वारा बस उनकी गलती का इंतजार करते हैं ताकि वह उन्हें आउट कर सके, वरना विराट को आउट करना ही उतना ही मुश्किल है जितना सचिन को उनके समय में आउट करना था। कोरोना से नहीं कमजोर होती आंख की रोशनी से परेशान है अमिताभ बच्चन। वर्तमान समय में कोरोना ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं अमिताभ बच्चन एक अलग ही बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आंखें ढूंढती तस्वीरें देख
रही है जो कि अब धुंधली है। आंखों से दो दो चीजें नजर आ रही हैं और कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि अंधापन आने वाला है। पहले से मेडिकल दिक्कतों से जूझ रहे इस शरीर में शायद एक और तकलीफ शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में माँ के नुस्खों का भी जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने आगे कहा है कि डॉक्टर्स ने मुझे यह भरोसा दिलाया है कि मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से नहीं जाएगी। वहीं अमिताभ बच्चन ने बताया कि आंखों की रोशनी कमजोर होने की मूल वजह ज्यादा वक्त तक स्क्रीन देखना है। एयरटेल ने बंद के बीच लॉन्च किया अपना शानदार ऑफर। कोरोना के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार ने बंद का ऐलान जारी किया था। हालांकि अभी बंद के खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं, मगर खबरों की माने तो शायद बंद की अवधि को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से कई सारे लोग अब अपने घरों में रहने पर ही मजबूर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां कई सारे ऑफर्स भी निकाल रही है, जिसके तहत एयरटेल ने भी हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए नए ऑफर्स को लॉन्च किया है। जिसके तहत एयरटेल ने एड ऑन प्लान की कीमत 100 रुपए रखने का ऐलान जारी किया है, जिसमें ग्राहकों को 15 GB का फायदा मिलेगा। यह खासतौर पर उन यूजर्स के लिए जो घर से काम कर रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एयरटेल द्वारा निकाले गए प्लान में पोस्टपेड ग्राहकों को ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसकी शुरुआत 100 रुपए से होगी। इसके अलावा एयरटेल ने दूसरे प्लान की भी घोषणा की, जिसकी कीमत 200 रुपए है। 2 हफ्ते और बढ़ सकती है बंद की अवधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीडिया से आई खबरों के अनुसार बंद की अवधि को 2 हफ्ते तक और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी राज्य में कोरोना की स्थिति स्थिर नहीं है। लगातार कोरोना के मामले में इजाफा होता ही जा रहा है, जिसके तहत सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल की खराब है, जहां पर दिन प्रतिदिन कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में बंद के नियमों को सख्ती से पालन करवाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सभी लोगों का मास्क पहनना भी अनिवार्य करने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहारी गमछे में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की जारी परिस्थिति को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, जिसके दौरान बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारी गमछे का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहारी गमछे से बने मास्क में ही नजर आए थे। इसके तहत उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर कोई मेडिकल मास्क का ही इस्तेमाल करे, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में लोग आमतौर पर भी गमछा लेकर निकलते हैं। इसलिए उनके लिए यह ज्यादा सहूलियत भरा होगा कि वह उसी गमछे को मास्क के रूप में पहन कर निकले। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के हालात का जायजा लिया गया। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए क्या सरकार को बंद की अवधि को 2 हफ्ते तक और बढ़ा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।